नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। कंवर बुलेटिन की शुरुआत सुपर फास्ट न्यूज के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे कई त्योहारों के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट, लिखा पूरे भारत में विभिन्न त्योहारों को मना रहे लोग जो देश की जीवंत सांस्कृतिक विविधता का है प्रतीक। प्रधानमंत्री ने 6 अलग अलग भाषाओं में पोस्टर ट्वीट कर दी बधाई। पोंगल, माघ बिहू और भोगी, उत्तरायण और मकर संक्रांति की भी दी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में लगाई डुबकी। तिलहन के पकवान खाकर भी मनाई खुशी। कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन सतर्क। हरिद्वार और ऋषिकेश में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान पर लगी रोक। घाटों पर पसरा सन्नाटा। बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। हरिद्वार के सीओ सिटी शेखर ने लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जारी की 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 50 महिलाओं को दिया गया टिकट। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता की मां को दिया गया टिकट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। प्रियंका गांधी ने कहा, उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार और समाजसेवी भी शामिल। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को भी मिला टिकट। पंजाब विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खेला नया दांव। मोहाली में कहा, अगले हफ्ते होगा सीएम के चेहरे का ऐलान। सीएम का चेहरा जनता करेगी तय। सीएम केजरीवाल ने जारी किया नंबर। 17 नवंबर तक लोगों को इस पर देनी होगी अपनी राय। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने की गठबंधन की औपचारिक घोषणा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने भी दिया इस्तीफा। बीते 3 दिन में 8 विधायक छोड़ चुके पार्टी का हाथ। इस्तीफे में पार्टी पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने का लगा बड़ा आरोप। कोरोना की चपेट में आए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह। संक्रमण की पुष्टि के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे गिरिराज। संपर्क में आए लोगों से की कोविड टेस्ट करवाने की अपील। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ते केस बने चिंता का विषय। अस्पतालों में सुविधाएं पूरी, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को लगी बूस्टर डोज। दूसरी डोज के 39 हफ्ते या 9 महीने बाद ही लग रही डोज। शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल की उम्र से बड़े लोगों को भी लग रही बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक बूस्टर डोज के लिए नहीं कराना होगा दोबारा रजिस्ट्रेशन। पहचान पत्र दिखाकर लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। विदेशी यात्रियों पर सख्त केंद्र सरकार। 1 हफ्ते का अनिवार्य होम आइसोलेशन नियम लागू। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5400 के पार। देश के कई राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, राजस्थान से सामने आ रही केसेस। राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमिक्रॉन। 549 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट के शिकार। 60 से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 479 केसेस तो वहीं पर राजस्थान में 792 से ज्यादा केसेस। कई राज्यों में लगातार बढ़ रही पाबंदियां। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का सितम। संक्रमितों की संख्या 1300 के पार। केरल में कुल 486 लोग नए वेरिएंट से संक्रमित। गुजरात में 236 से ज्यादा। तेलंगाना में 123 केस। उत्तर प्रदेश में 113 के पार आंकड़ा।
हरियाणा में भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार। अब तक सामने आए 123 मामले, सरकार की बड़ी टेंशन। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक करीब 32,94,00,000 से ज्यादा केसेज आए सामने। 24,41,00,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 55,00,000 को कर चुका है पार। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, बीते 24 घंटों में 2,64,000 से ज्यादा केसेस, करीब 84,000 लोगों की रिकवरी हुई, 315 लोगों की जान चली गई। भारत में अब तक 3,63,00,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। 3,47,00,000 मरीज हुए रिकवर, मौत का आंकड़ा 4,85,000 को कर चुका है पार। दिल्ली में बीते 24 घंटों के अंदर 28,000 से ज्यादा कोविड के केसेज आए सामने, 31 लोगों की जान चली गई। कुल मामले 16,46,000 के पार है। एक्टिव केसेस की संख्या 94,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 को कर चुका है पार। महाराष्ट्र में सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, बीते 24 घंटों में सामने आए 46,000 से ज्यादा केसेस, 380 की जान चली गई और संक्रमितों का कुल आंकड़ा 17,00,000 के पार। पश्चिम बंगाल में 23,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, मामले अब 18,41,000 के पार, 16,00,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी और आंकड़ा मौत का 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 17,00,000 के पार, एक्टिव केसेस का आंकड़ा 71,000 के पार है, मौत का आंकड़ा 22,000 को कर चुका है पार। बिहार में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,393 नए केसेस, कुल मामले 7,70,000 के पार, करीब 30,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 7,591 नए केसेस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 8,00,000 के पार, करीब 35,000 केसेस एक्टिव है, मौत का आंकड़ा 10,000 को कर चुका है पार। बिहार हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1,773 नए केसेज आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या 2,87,000 के पार, 8,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 153 करोड़ को कर चुका है पार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भीषण ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगिया, पटना से गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस। ट्रेन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई लोग घायल हैं और 6 लोगों की मौत हुई। ट्रेन हादसे को लेकर पीएम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ली हादसे की जानकारी, कोरोना पर बैठक के दौरान की सीएम ममता से बातचीत। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने हादसे में उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश, डीजीपी बंगाल के लिए हुए रवाना, वहीं पर रेलवे ने पीड़ितों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5,00,000 तो घायलों को 1,00,000 रुपए की मदद का किया ऐलान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह सड़कों पर छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट, लो विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता का स्तर रहा बेहद खराब, तापमान 7 डिग्री किया गया दर्ज। दिल्ली एनसीआर में 15 जनवरी के बाद से हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना, गुणवत्ता में और सुधार किया जा सकता है दर्ज। उत्तर भारत में और सर्द हुआ मौसम, बारिश बर्फबारी, शीतलहर से तापमान में गिरावट, कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम में आया बदलाव, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक भरा सर्दी का सितम। मौसम विभाग ने बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल के लिए जारी किया अलर्ट, अभी जारी रहेगा ठंड का कहर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच भी सीमाओं पर खड़े सीमा प्रहरी, कई इलाकों में माइनस तापमान के बीच भी सरहद की कर रहे हिफाजत। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के कई हिस्सों में बर्फबारी, ठंड से बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा ले रहे लोग।
हिमाचल में बर्फ ने मचाई तबाही। बीते 12 दिनों के अंदर 46 लोगों ने बर्फबारी और बारिश की वजह से तोड़ा दम। टोहाना में नगर परिषद और तहसील कार्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिले कई अधिकारी। टोहाना में निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने गैर हाजिर अधिकारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी दिए आदेश। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर जारी सियासी बयानबाजी। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं। कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने सुरक्षा में चूक को बताया गुजरात मॉडल। कहा ये गुजरात मॉडल हो चुका है एक्सपोज। अशोक तंवर ने खुद पर हुए हमले से की सुरक्षा में चूक की तुलना। बोले बीजेपी ने मुझ पर हमला करके पत्थर की बनवा दी थी मेरी आंख। बहादुरगढ़ में सब जूनियर की पहलवान ने सीनियर पहलवानों को हराकर जीता गोल्ड। 60 किलो के वर्ग में पहलवान सुमित ने हासिल किया स्वर्ण पदक। बहादुरगढ़ में आयोजित पहलवानी में साहिल और योगेश ने जीता रजत पदक। सभी विजेता पहलवानों का अखाड़े में हुआ जोरदार स्वागत। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स और सरकार के बीच बनी सहमति। डॉक्टर्स ने वापस ली हड़ताल। सरकार ने डॉक्टर्स के फैसले का भी किया स्वागत। सोनीपत के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां खत्म। स्कूलों में पहुंचे 50% स्टाफ। छात्रों के लिए जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। सोनीपत में ऑफलाइन कक्षाओं के लिए 26 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ते कोरोना के चलते 12 जनवरी तक घोषित की गई थी सर्दियों की छुट्टियां। भिवानी में खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र। प्रशिक्षण केंद्र में 100 सीटों को घटाकर 50 सीटें करने का भी किया गया था विरोध। भिवानी में खिलाड़ियों ने घटाई गई सीटों को दोबारा बढ़ाकर 110 करने की रखी मांग। मौके पर कई खेल प्रेमी भी रहे मौजूद। नांगल में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। लेकिन इसी बीच भिवानी दोबारा सीटों बढ़ाने को लेकर दरअसल मांग खिलाड़ियों की तरफ से रखी गई है। सरकार से अपनी मांग खिलाड़ियों ने रखी। नांगल में कोविड नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। बिना मास्क लगाए बेखौफ घूम रहे लोग। गहरी नींद में सोया प्रशासन। दतिया में सीएम फ्लाइंग की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। तहसील अधिकारियों के साथ मिलकर किया अवैध निर्माण का निरीक्षण। सीएम फ्लाइंग ने विभागों से जुड़े दस्तावेजों को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। अवैध निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुख्यालय भेजी जाएगी पूरी रिपोर्ट। कैथल में राष्ट्रीय आजीविका मिशन में लगे 4 कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर लगे रोक। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए थे 4 आरोपी। भ्रष्टाचार के मामले में एडीसी ने की थी जांच। एडीसी की जांच में दोषी पाए गए थे 4 कर्मचारी। नू में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। सभी थानों में नो मास्क नो वैक्सीनेशन नो एंट्री का फॉर्मूला लागू। सोनीपत में गीता भवन चौक पर धसी सड़क। मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था हुई बाधित। मौके पर पहुंची पुलिस ने रूट किया ड्राइवर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पाबंदियां बढ़ने पर फैसला संभव। स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर देगा प्रेजेंटेशन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की टेंशन। बीते 24 घंटों में 1804 नए केसेस तो 3 की गई जान। हिमाचल प्रदेश में 3 गुना रफ्तार से फैल रहा कोरोना। 31 दिसंबर को एक्टिव मरीजों का आंकड़ा था 466। अब तक 6000 के पार एक्टिव केसेस का आंकड़ा।
कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल का दावा, पंजाब विधानसभा में होगी कांग्रेस की जीत, इस जीत का हिमाचल विधानसभा के चुनावों में भी दिखेगा असर। बर्फबारी के बाद दुश्वारियां अभी भी बरकरार, हिमाचल प्रदेश की कई सड़कें अभी भी बंद, 416 सड़कें, 446 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, बिगड़ रहे हालात। चीन ने कहा कि चीन श्रीलंका संबंधों के बीच न आए कोई तीसरा देश, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से भी की मुलाकात। चीन की दादागिरी से जूझ रही ताइवान की वायुसेना को लगा बड़ा झटका, ताइवान का सबसे आधुनिक F-16 फाइटर जेट समुद्र में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पाकिस्तान में गैस की कीमतें बढ़ने से हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन में करीब 160 लोगों की मौत हुई, रूसी सैनिकों की मदद से सुरक्षा बल प्रदर्शन को कुचलने की कर रही कोशिश। तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिदीन ने के ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से कहा कि अफगानिस्तान के विमानों और हेलीकॉप्टरों को करें वापस। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा मध्य पूर्व की स्थिति आज ऐसी नहीं होती अगर ईरान पड़ोसी देशों की नहीं करता मदद, स्थिरता और शांति के लिए इस्लामिक देश ईरान को मानते हैं महत्वपूर्ण। इंडिया ओपन बैडमिंटन पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर का कहर, इंडिया ओपन पर टूटा आटो कोरोना का कहर, 7 भारतीय खिलाड़ी भी पॉजिटिव। नोवाक जोकोविच को वीजा विवाद के बीच मुख्य ड्रॉ में मिली जगह, प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम में हम वतन नियोमिर में भी होगा पहला मुकाबला। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में गोलकीपर सविता मिली को मिली कप्तानी, 21 से 28 जनवरी तक मस्कत में खेला जाएगा टूर्नामेंट। दयानी की भारत में बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेलों की क्विंस पैटर्न की शुरुआत, अब बेंगलुरु और भुवनेश्वर में भी होगा आयोजन। बेंगलुरु के आगे नहीं चली दिल्ली की दबंगई, 2 अंतर से हराया यूपी, हरियाणा मैच भी ड्रॉ। अभिनेत्री तापसी पन्नू और अभिनेता ताहिर राज बसीब की आगामी फिल्म लूप लापेटा का ट्रेलर रिलीज, 4 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार। सपना चौधरी ने फैंस को दी ट्रीट, शेयर की अपने नए गाने की झलक, पूरा सॉन्ग 17 जनवरी को होगा रिलीज। एक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ केस दर्ज, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर किया अश्लील कमेंट, हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने मामला किया दर्ज। तलाक के बाद पहली बार खुलकर बोले नागा चैतन्य, कहा अलग होना ठीक, यह हम दोनों की व्यक्तिगत खुशी के लिए किया गया एक पारस्परिक फैसला।